इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अरबाज कत्ल मामले की चर्चा अभी भी जारी है, अभी मामला खत्म नहीं हुआ, लिहाजा अरबाज कत्ल मामले की तफ्तीश जिस तरह से जारी है इसी के मद्देनजर कल सुबह 5 बजे अदालत की हिदायत पर कब्र को खोदकर फिर से DNA सैंपल्स हासिल किए गए और DNA सैंपल्स हासिल करने की पक्की तरह हासिल हुई। वैसे भी कुछ दिन पहले अंजुमन खानापुर और अरबाज के घर वालों को बुलाकर पुलिस ने कब्र से फिर से DNA सैंपल हासिल करने की बात कही थी। बरोज बुद इस काम को अंजाम देना था, पर इसको खामोशी के साथ अंजाम देना जरूरी है ऐसा भी कहा गया था। लिहाजा बुद की बजाय महज घर के ही अफराद के साथ पुलिस मोहकमा की मौजूदगी में DNA सैंपल्स को कल रात में 5 बजे लिए गए। आखिर DNA सैंपल्स की जरूरत क्यों पेश आई है, इस पर इंतजामिया के जाने से जवाब दिया गया कि अरबाज का जहां पर कत्ल हुआ था वहां से सबूत हासिल किए गए और खुद अरबाज के खून के धब्बे बाल स्किन की तफ्तीश की जाएगी। वाज़ह रहे कि अरबाज कत्ल मामले को लेकर पूरे मुल्क में बहस मुबासे किए जा रहे हैं। आज भी कुछ मीडिया वालों ने इस पर डिबेट भी की है और हिंदुत्व तंजीमों की बढ़ती सरगर्मियों पर फिक्र का इजहार भी किया है, पर कुछ सवाल भी इसके साथ खड़े हो जाते हैं कि आखिर जब दफन करने से पहले भी तो DNA टेस्ट कर सकते थे, जो भी हो, लेकिन मुजरिमों का इस मामले में छूटना उतना आसान नहीं है। एक और तवज्जो की बात यह भी है कि जब भाजपा जैसी ताकतवर पार्टी सियासत में है और फिर हिंदुत्व तंजीमों का जोर भी है, जाहिर है और भी जितने राइट विंग तंजीमें हैं इनका आपस में तालमेल है, यानी कि हुकूमत इख्तदार में जो है और राइट विंग यानी हिंदुत्व तंजीमों के साथ इनका तालमेल है कि किसी तरह से इन कातिलों को हिमायत या फिर सजा सख्त ना दी जाए, इसकी कोशिश भी हो सकती है। वैसे भी इससे पहले कई मामलों में हमने देखा है कि हुकूमत पीछे के दरवाजे से दखल देती रहती है और आप सभी को भी मालूम होगा कि सोशल मीडिया पर अरबाज जिंदा है जैसा झूठा प्रोपोगंडा भी किया गया था। अगर आप पीछे पलट कर देखेंगे तो इस तरह का एक झूठा सोशल मीडिया पर पेज बनाकर गुमराह करने की कोशिश की गई थी, इस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। अब यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि आखिर किसने फर्जी अकाउंट के जरिए तफ्तीश की दिशा को गुमराह करने की कोशिश की हो। ऐसा कयास ये भी लगाया जा रहा है कि उसी फर्जी अकाउंट के जरिए कई जमानत का मैदान कातिलों के वकील की तरफ से तो नहीं किया जा रहा, लिहाजा अब तक पुलिस की जानिब से कार्रवाई तसल्ली बख्श ही रही है, लेकिन साथ में इसके आगे की कार्रवाई पर भी नजर होनी जरूरी। जिस कदर मुल्क में आए दिन फिरका परस्तों की जातियां बढ़ती जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं हुकूमतों का दखल देखा जा रहा है। अरबाज कत्ल मामले को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तौर पर भी पेश किया जा रहा है, लेकिन सवाल तो आज भी उसी बात पर है कि एक मामूली पिग्मी कलेक्टर क्या 5 लाख रुपए की सिफारिश दे सकता है, और अगर दिया भी है तो कत्ल के वक्त वो क्यों मौजूद था। जो भी हो, किसी भी वजह से कत्ल किया हो, मुजरिमों को सख्त सजा हर हाल में मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कत्ल किया गया है ऐसी बर्बरियत वाला कत्ल अब तो बेलगामी नहीं पूरे रियासत में अब तक नहीं देखा गया। कब्र खोदकर DNA सैंपल्स के बाद एक बार फिर अरबाज कत्ल मामले की चर्चा जारी है। ये एक अदालती कार्रवाई थी, उम्मीद करते हैं कि तफ्तीश सही सिमत में चल रही है, जल्द चार्जशीट दाखिल कर फास्ट ट्रैक के जरिए मुकदमे का फैसला अरबाज की वालिदा के हक में जाए, क्योंकि एक माँ ही अपने इकलौते बेटे के दर्द को महसूस कर सकती है। और यह फैसला अहम भी इसलिए है कि और कोई महाराज किसी अरबाज के कत्ल करने के लिए आगे न बढ़े, फिर पैसों के लिए हो या किसी धर्म की बुनियाद पर हो। त्रिपुरा में हिंदुत्ववादी तंजीमों की जानिब से मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम की मजम्मत करते हुए SDPI की जानिब से एहतजाज किया गया और DC बेलगाम को मुतालबा पेश किया गया। इस वक्त कसीर तादाद में SDPI कारकुनान मौजूद रहे। वाज़ह रहे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के मद्देनजर हिंदुत्ववादी तंजीम जिसमें RSS बजरंग दल VHP ने त्रिपुरा के मुसलमानों को निशाना बनाते हुए 16 से भी ज्यादा मस्जिदों को निशाना बनाया गया, नजर आतिश किया गया और मकानों दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। लिहाजा इन संघी विचारधारा और हिंदुत्व के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। आइए देखते हैं इसके मंजर। RSS मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, SDPI
आई जिंदाबाद, कैसी भी आई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कैसी भी आई जिंदाबाद, कैसी भी आई जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरक्षण मुर्दाबाद, आरक्षण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीएसपी मुर्दाबाद, बीएसपी मुर्दाबाद। जैसा कि आपको आप सबको पता है कि इस वक्त त्रिपुरा के हालात जो है बद से बदतर हो गए हैं, और इसका एक कारण ये भी है कि बांग्लादेश में जो फसादात हुए थे जिसमें मंदिर को तोड़ा गया था, जिसकी मुखालिफत में एसडीपीआई ने सबसे पहले प्रेस रिलीज किया था पूरे हिंदुस्तान भर में अपोजिशन पार्टी के जरिए, और हमारा प्रोटेस्ट जो है हुकूमत से यही एक मुतालबा है कि जो एक्शन होना है, जो गुंडे वहाँ पे दिन रात जो कहर बरपा रहे हैं उनकी जल्द से जल्द अरेस्टिंग होना है और उन्हें सलाखों के पीछे डालना है। जो कि वहाँ का सीएम है वो उसका स्टेटमेंट ये है कि इतना सब कुछ वहाँ पे हो रहा है करके उन्हें पता ही नहीं। अगर ऐसा सीएम सोया हुआ है तो ऐसे सीएम को पहले वहाँ से हटाएं, और जो सही मायने में हकदार है सीएम का वहाँ पे, वैसे एक सीएम को जो माइनॉरिटीज़ की इज्जत करे, माइनॉरिटीज़ के हकूक के बारे में सोचे, और माइनॉरिटीज़ को भी क्या है किसी जात पात से ना देखे, ऐसे सीएम को वहाँ पे बिठाने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे बांग्लादेश में फसादात शुरू हुए तो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए 4000 एफआईआर दर्ज किए और 500 से ज़्यादा की गिरफ्तारी हुई, और फायरिंग में 6 लोगों की मौत भी हो गई और 25 या 30 से ज़्यादा भी लोग घायल हुए हैं। तो इस तरह का एक्शन जब होता है तो गुंडों में थोड़ा डर रहता है कि उनके ऊपर भी कहीं किसी तरह के मुकदमे ना पड़ जाएं करके। तो हमारा मुतालबा यही है कि सीएम को रिज़ाइन करना चाहिए त्रिपुरा के, और त्रिपुरा में पहले जो शांति थी, अमन था, वो अमन को वापस से कायम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि मुल्क में एक मुल्क का जो डायरेक्शन है वो अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि त्रिपुरा के अंदर 21 अक्टूबर जो है, अब 21 अक्टूबर से लगातार जो है वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर, वहाँ के माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमला चल रहा है। ये एक बहाना लेकर के यहाँ के मुसलमानों पर हमला चल रहा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश के अंदर वहाँ के माइनॉरिटीज़ को, वहाँ के हमारे हिंदू कम्युनिटी के भाइयों के ऊपर जो हमला हो रहा है, हम लोग उसको भी कंडम करते हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है एक्शन भी लेकर है। साथ साथ में उसी बहाने को लेकर के यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर यहाँ के माइनॉरिटीज़ को जो है वो बहाना लेकर के यहाँ पर हमला किया जा रहा है। हम लोग बार बार देख रहे हैं, अक्सर जो है वीडियोज आ रहे हैं सोशल मीडिया में, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि मस्जिदों के ऊपर हमला हो रहा है, मस्जिदों को जलाया जा रहा है, कुरान की बेहुर्मती हो रही है। ये हम लोग बर्दाश्त हरगिज नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ तक भी सुन रहे हैं कि बहुत सारे रैली निकल रहे हैं, वीएचपी के बड़े बड़े मेगा रैली निकल रहे हैं, आरएसएस के वहाँ पर रैली निकल रहे हैं, और उन रैलीज के अंदर जो है मुसलमानों के खिलाफ, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहुत सारे स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं। हम इस चीज़ को सख्त से सख्त कंडम करते हैं। हम लोग वहाँ की गवर्नमेंट को जब ये बात मालूम पड़ी, वहाँ के सीएम को जब सवाल किया गया, तो वहाँ के सीएम बताते हैं कि मुझे इस चीज़ की कोई खबर नहीं है। इतना बेखबर, इतना लापरवाह अगर वहाँ का मिनिस्टर है तो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले वहाँ से रिज़ाइन करे, उसकी वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग डिमांड करते हैं कि वहाँ पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, वहाँ पे लीगल कार्रवाई हो, और वहाँ के मुसलमान, मज़लूम मुसलमानों की जो है कंपनसेशन हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक और कर्नाटक की आवाम को गमजदा करने वाली खबर यह रही कि कन्नड़ फिल्मी अदाकार सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पुनीत राजकुमार की मौत के बाद कन्नड़ तंजीमों की जानिब से मातम मनाया गया। पुनीत राजकुमार के चाहने वाले बहुत है। हाल ही में चंदन आइनॉक्स बेलगाम थिएटर में अपने चाहने वालों से मुलाकात की थी। हजारों की तादाद में लोग कोरोना होने के बावजूद भी जमा हुए थे। इस वक्त चंदन थिएटर के मालिक साजिद शेख से तवील गुफ्तगू भी हुई थी। साजिद शेख ने इत्तेहाद न्यूज़ को बताया कि पुनीत राजकुमार एक हरदिल अजीज शख्स थे। इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी काफी हद तक सादगी देखी जाती थी, लिहाजा इनकी अचानक मौत से दिल गमजदा होने के बाद भी इन्होंने कही। बेलगाम शहर में इनके चाहने वाले गम में डूबे नजर आए। कर्नाटक राज्योत्सव को लेकर काफी चर्चा थी, लेकिन अब कन्नड़ सुपरस्टार की अचानक मौत से इस बार बड़े पैमाने पर राज्योत्सव न मनाने की बात इनके चाहने वालों की जानिब से कही जा रही है। आज शाम चन्नम्मा सर्कल में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से कैंडल मार्च निकालकर खिराज तहसीन पेश करने की कोशिश करते हुए फिर से दोबारा पुनीत राजकुमार को आवाम के दरमियान आने की दुआएं मांगते देखा गया। कन्नड़ चाहने वालों के अंदर गम देखा गया। इनकी आंखों में पुनीत राजकुमार की मौत का अफसोस जाहिर हो रहा है।
ಒಂದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲಘು ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಲಘು ಹೃದಯಾಘಾತ ಇರುವಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದು ಈ ದಿವಸ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಕರಾಳ ದಿನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತೆಂದು ನಮಗಿವತ್ತು ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಆಮೇಲೆ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜಕುಮಾರ ನಾವೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವರ ಸರಳತೆ, ಅವರ ಒಂದು ನಾಡುನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾವು ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ರಣವಿಕ್ರಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಗಡಿ ಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಟರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಟ ಇವತ್ತು ಏನು ಕನ್ನಡ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಏನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕರಾಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಂಗೆ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನನ ಗಳಿಸಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ತಂದೆ ಅನ್ನೋದ ಒಂದು ಫಾಲೋವರ್ಸು, ತಂದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸರಳ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ಅಹಂಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಇದು ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವರು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಿದರೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋರು, ಸರಳ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೋ ಅಂತ ಒಂದು ನಟನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬಾಂಧವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಿರಿಯ ಆಟ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ನೀವು? ಏನಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇರ್ತಿತ್ತು. गोवा की सियासत में अब कुछ बदलाव की तस्वीरें नजर आ रही है. बंगाल की वजीर आला जिसने भाजपा की नाक में दम कर रखा है, अब गोवा की सरजमीन पर भाजपा को पछाड़ने के लिए मैदान में उतरी है. ममता बनर्जी वैसे भी मुल्की सतह पर बहुत ही मजबूत खातून के तौर पर देखा जाता है, लिहाजा आज गोवा में मछुआरों की परेशानियों को समझने की कोशिश करते हुए जिस तरह मछुआरों के हुकूक को भाजपा हुकूमत की जानिब से पामाल किया जा रहा है, मछुआरों को इंसाफ दिलाने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस की सरकार करेगी ऐसा भी कहा गया. भाजपा शिवसेना से कई लोगों ने तृणमूल कांग्रेस की शमूलियत इख्तियार की है. इसी वक्त अश्वर साळगांवकर जो सामाजिक खिदमतगार है, इन्होंने भी तृणमूल कांग्रेस की शमूलियत इख्तियार करते हुए गोवा एक नई दिशा में जाने की उम्मीद इन्होंने इजहार किया. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की बढ़ती मकबूलियत से भाजपा की परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है, लिहाजा क्या आने वाले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का गोवा में असर नजर आएगा, इस पर बहस मुबास की जा रही है. जिस तरह तृणमूल कांग्रेस ने अपना दायरा बढ़ाते हुए गोवा में कदम रखा है, ऐसा लग रहा है कि मुल्की सतह पर यह पार्टी फैलने जा रही है. कुछ लोग तो ममता बनर्जी को वजीर आजम तक देखने लगे. कल मापसा में भी अवामी खिताब अवाम से तबादले ख्याल करने वाली है. गोवा से इत्तेहाद न्यूज के नामानिगार फजल तोंडसे की ये रिपोर्ट. कि मेरे को पास इन्फॉर्मेशन था कि गोवा का फिशिंग कम्युनिटी अभी बहुत दिक्कत में है, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है. एक तो उसका सब्सिडी जो थे वो भी कमती कर दिया है, एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा है, उसका बैच बिजनेस भी अभी बंद बहुत हो गया है कोविड के लिए, कोरोना के लिए भी, और कोई देखभाल करने के लिए कोई नहीं है. हम इसी के लिए सोचा कि फिशिंग कम्युनिटी आपका सबसे बड़ा कम्युनिटी इधर में है, आप लोगों को लाइवलीहुड प्रोटेक्ट करने के लिए लाइफ एंड लाइवलीहुड तृणमूल कांग्रेस जरूर एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे. इंडिविजुअली कैसे आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए वो हम देखेंगे. आपको जो सब्सिडी वो लोग विड्रो कर लिया है, जो 30,000 कर दिया है 50,000 से, उसको हम बहुत बढ़ा देंगे, जैसे आप लोगों को लाइवलीहुड ठीक से रहे, आप लोगों को बच्चा लोग आप लोगों को परिवार अच्छा रहे. फिशिंग कम्युनिटी के लिए हमारा गौरव है. आप लोग एक कट्टा में ये विश्वास रखिए कि हम देखने के लिए इसी के लिए आए हुए हैं कि आप लोगों को जो जो करना है वो करने के लिए हम वो कर देंगे और हम उसको
डिटेल्स हम आपको पास से सुझाव लेके, आपका जो फिशरी कम्युनिटी है आपके सब पास से सुझाव लेके जो जो करना है हम कर देंगे और हमारा मैनिफेस्टो में भी डालेंगे। बुढ़ा को लेकर अभी भी इख्तलाफात का सिलसिला थमते नजर नहीं आ रहा। पिछले कुछ दिनों से सत्ताधारी और विपक्ष के चलते शहर के तरक्याती कामों पर असर होता दिखाई दे रहा है, ऐसा आवाम का कहना है। आज कांग्रेस के कायद और एमकनमढ़ी एमएलए सतीश जारकोई ने भाजपा के दोनों एमएलए अनिल बेनके और अभय पाटिल के मनमानी करते हुए अपनी मर्जी से बूढ़ा सदर को बिना भरोसे में लिए तब्दील करने का इल्जाम लगाया। आज उन्होंने कहा कि हमने कभी भी शहर के तरक्याती कामों के साथ बूढ़ा के मामलात में दखल नहीं दिया और ना ही किसी तरह की रुकावट पैदा करने की कोशिश की, लेकिन दोनों एमएलए ने बूढ़ा के सदर को तब्दील करने का काम गोया एक तरह से मनमानी की है। वाज़ह रहे कि 3 मरतबा भाजपा एमएलए की गैर हाजिरी की वजह से बूढ़ा की मीटिंग रद्द कर दी गई, लिहाजा बेलगांवकर को सदर बूढ़ा बनाने के बाद मीटिंग तो हुई मगर इसमें कांग्रेस के सतीश जारकिहोली और लक्ष्मी हेब्बाड़कर गैर हाजिर रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।